हेलो फ्रेंड्स, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट फ्लटर एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं और उसमें क्या क्या एडवांटेज है। तो अभी मैं यहाँ पे एमुलेटर चालू किया है। अभी इस ये प्रोजेक्ट मैंने रन किया, जब भी रन करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद इधर एक एंड्रो स्टूडियो में हॉट रिलोडिंग करके ऑप्शन आता है, तो अभी मैं अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ तो इन अ सेकेंड्स ये चेंज हो जाएगा। सपोज देन क्लास को ये इधर मैसेज है, ये इंक्रीमेंट है ऑपरेटर, ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। जब भी आप एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हो फ्लटर में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी स्क्रीन आएगी, इधर फ्लोट बटन आएगा एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसमें हैंडल किया है, तभी ये मैसेज है। मैं अभी ये मैसेज को कुछ भी चेंज करता हूँ। सपोज देन हॉट रिलोड, और सिर्फ इधर हॉट रिलोड पे क्लिक करूँगा, इन अ सेकेंड ये चेंज हो जाएगा। बट यही चेंज करने के लिए अगर हम एंड्रॉयड में काम करते हैं या स्विफ्ट में काम करते हैं तो बहुत टाइम लेता है बिल्ड करने के लिए। बट ये हॉट रिलोड इन अ सेकेंड्स आपकी चेंजेस दिखा देता है। अभी ये आपने ये चेंजेस कर दी, अगर मैं इसको बंद करके दोबारा चालू करता हूँ इस एप्लीकेशन को, तो ये चेंजेस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हॉट रिलोडिंग पे हुई है, आपने बिल्ड नहीं किया है। जब भी आप किल कर देते हैं एप्लीकेशन को, तो दोबारा जो बिल्ड एप्लीकेशन आपने रन किया है वही स्टार्ट होता है। अभी मैं ये फ्लटर प्रोजेक्ट है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था सेटअप, अभी मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है। सी हेयर यू विल सी हेयर यू हैव पोस्ट द बटन द मेन टाइम्स, तो ये पहले वाला टेक्स्ट है, अभी वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हॉट रिलोड किया है, बिल्ड नहीं किया है। तो ये जब आप डेवलप कर रहे हो उस काम आता है हॉट रिलोड, और जब भी आपको किसी को देना है तो बिल्ड बना के देना पड़ेगा, या इधर से रन करना पड़ेगा, या सेम है इसमें भी जैसे हम उधर बनाते हैं, इस कमांड थ्रू एपीके बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे रन करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, और इसमें मतलब वाई वी शुड यूज़ फ्लटर इंस्टेड ऑफ स्विफ्ट। और इसका एक एडवांटेज तो ये है कि इसके मतलब एक ही कोड में सब कुछ होता है। दूसरा, इसका टाइम बहुत बचता है। जब भी हम कोडिंग करते हैं तो टाइम बचता है, और कोडिंग तो इसकी बहुत ईजी है, दोनों काम एक में हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं कि यूआई अलग बनाना पड़ रहा है, कोडिंग अलग करना पड़ रहा है, राइट। तो अभी फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ, ये रन होगा, रन होने में थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद बिल्ड होने में टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अभी इस पर पहले मैं ये कमेंट सब रिमूव कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जब भी आप क्लास बनाते हैं तो ये आ ही जाता है। ओके, अभी रन हो रहा है एप्लीकेशन। अभी इसमें ये जो इंपोर्ट किया है पैकेज, ये मटेरियल है, ये एंड्रॉयड के लिए है। अगर आपको जावा इसके लिए सपोर्ट करना है आईओएस के लिए, तो यहाँ पे एक आता है इंपोर्ट पैकेज फ्लटर, और इधर रहेगा फर्स्ट ऑफ फ्लटर डालते हैं फ्लटर, और यहाँ पे रहता है कैपेशिरो रहेगा कैपेशिरो, ये आईओएस के लिए रहता है मटेरियल, ठीक है। इसके बाद से हम ये हटा देंगे, डार्ट, ओके, ये आईओएस को सपोर्ट करता है। तो देखा हमने एक ही सेकंड में हो जाता है। अभी इसमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे जो विजिट्स रहते हैं, ये यहाँ पे टू टाइप्स के विजिट्स हम ऑलवेज यूज़ करते हैं, स्टेटलेस एंड स्टेट फोन। तो ये आप पढ़ोगे थियोरी तो भी समझ जाओगे, या फिर मैं आपको एक इजी वे में बता देता हूँ। स्टेटलेस का मतलब होता है कि आप सिर्फ आपका स्टैटिक पेज है, मतलब वहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टैटिक पेज नहीं है, हम यहाँ बटन पे क्लिक कर रहे हैं और डायनेमिकली कुछ चेंज हो रहा है, तो ये चेंज होता है उसको वो स्टेटफुल में लिखते हैं हम, तो ये स्टेटलेस है। जब भी स्टेटलेस यूज़ करना है तो आपको स्टैटिक पेज होना चाहिए, लाइक आपका अबाउट फॉर्म है, या फिर स्प्लैश स्क्रीन है फर्स्ट, या कॉन्टेक्ट अस है, जिसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है डायनेमिकली, किसी पे क्लिक करने के बाद कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उस टाइम हम स्टेटलेस विजिट यूज़ करते हैं। और स्टेटफुल विजिट, जब इसके लिए हमने स्टेटफुल विजिट यूज़ किया है, हम इधर से एक कॉल किया है, क्लास स्टेटफुल विजिट, ये वाली क्लास है, ये यूआई दिख रहा है आपको, राइट। ये जो कीवर्ड ये है, ये कहीं भी नहीं दिख रहे होंगे आपको, फ्लटर डेमो, और ये तो पास किया है इसको, इसलिए इसमें दिख रहा है। स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ चेंजेस होती है, ये एक बेसिक है। लेकिन अगर आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि
जो डिज़ाइन पैटर्न है वो अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रोवाइडर यूज करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं, तो ऐसे उन्होंने ब्लॉक तो एक स्टैटिकली है, तो जो भी हम पैटर्न अगर यूज करते हैं तो हम स्टेटलेस में भी डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अभी वो इतना डिटेल में नहीं जाते, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, ये आपका एक क्लियर कंसेप्ट हो गया। ये अगर आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, एक ये हुआ, और इसमें मैं एक कॉमन ये बता देता हूँ आपको कि इसके मेथड कैसे कॉल होते हैं। ये स्टेट फुल क्लास है, सबसे पहले इसका एक मेथड होता है, वो कॉल होता है। इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आता है, बट हम लिख सकते हैं ओवरराइड। अगर मैं करता हूँ इनिट करके एक मेथड रहता है, वो इसका ओवरराइड मेथड होता है स्टेट का। सॉरी, इधर आएंगे हम, स्टेट का एक ओवरराइड मेथड होता है इनिट स्टेट। जैसे कि हम एंड्रॉयड में, तो उसमें सबसे पहले क्या रहता है, ऑन रिज्यूम रहता है। ओके, तो ये उसी टाइप में सबसे पहले यही कॉल होता है, लाइक ऑन क्रिएट ऑन रिज्यूम होता है। इसमें हम कोई भी इनिशियलाइज वैल्यू कर सकते हैं, ये भी अभी मैंने ऐसे ही रखा है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इसमें मेन जो मेथड रहता है वो ये रहता है बिल्ड। इसके अंदर पूरा कोड आता है, यूआई, जितना भी यूआई है आपका इसके अंदर ही आना है, मस्ट बी बिल्ड के अंदर। और जो आपका कोडिंग रहता है इसमें एक्सेस करने के लिए, वो स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। स्टेट फोल में ये यूज़ होता है, स्टेट लिस्ट में ये यूज़ नहीं होता है। ये एक अलग क्लास है स्टेट फोल, और ये ऊपर वाली है, ये स्टेट लिस्ट क्लास है। ओके, इसमें आपको डायरेक्टली बिल्ड मेथड मिलेगा, स्टेट वगैरह यूज़ नहीं होती। स्टेट वगैरह क्यों यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें मुझे स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टेट चेंज मतलब क्या होता है, वैल्यू चेंज करना, मतलब स्टेट चेंज करना, राइट। ये वैल्यू चेंज करना मतलब स्टेट चेंज करना। स्टेट लिस्ट में मैंने आपको बताया इसमें डायनेमिक चेंजेस नहीं होती, इसलिए इसमें स्टेट यूज़ नहीं करते क्लास। इसमें डायनेमिक चेंज होती है, इसलिए हम स्टेट यूज़ करते हैं एक्सटेंड। ओके, कॉमन डिफरेंस। अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे डार्ट लैंग्वेज में, मैंने 5-6 वीडियो बनाई है डार्ट लैंग्वेज में, तो उसमें मैंने आपको इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप मैंने बताया था, लेकिन मैंने उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये अंडरस्कोर का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैंने अंडरस्कोर हटा दिया तो ये पब्लिक बन जाता है, और अगर मुझे इसको प्राइवेट रखना है वेरिएबल को, तो ये रख दिया। जावा में हम क्या करते हैं, प्राइवेट इधर टाइप करते हैं प्राइवेट, बट डार्ट में सपोर्टेड नहीं रहता है। तो डार्ट में क्या, डायरेक्टली अंडरस्कोर लिखो तो ये प्राइवेट बन जाता है, मेन रीज़न। उसके बाद कुछ नहीं है। अभी क्या किया, ये यूआई बनाया। स्कैफोल्ड क्या होता है कि ये पूरे को अच्छे से डिज़ाइन में पूरी स्क्रीन को फिट कर देता है स्कैफोल्ड में। ओके, स्कैफोल्ड नहीं लूँगा मैं, तो ये जो ये दिख रहा है ऊपर, ये ऐप बार के ऊपर जो बैटरी स्टेटस वगैरह, ये नहीं दिखेंगे फिर। ओके, तो स्कैफोल्ड के अंदर हमने पूरा ले लिया। अभी इसमें क्या होता है, फ्लटर एवरीवेयर विजिट यूज होते हैं, ओनली विजिट। तो ये क्या है, इसके फोल्ड भी विजिट है। आपको इसको देखना है तो कंट्रोल क्यू करो, इधर आ जाएगा सब, आपको इधर मालूम चल जाएगा ये पूरा विजिट है। इधर लिख रहा है विजिट बॉडी, उसके अंदर क्या है, तो आप कंट्रोल इस पर क्लिक करो, इसके अंदर जाओ, और आपको मालूम चल जाएगा कि ये पैरामीटर क्या क्या लिख रहे हैं। अभी देखो, मैंने डार्ट लैंग्वेज में आपको बताया था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल हो जाती है वैल्यू। तो मतलब अगर मैं इसके फोल्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इतने सारे पैरामीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जितना भी लग रहा है मैं उतना यूज़ करूँगा। ऐप बार, अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा तो देखो ऐप बार है इसके अंदर। अभी देखो ये सारे ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है, आप इसमें से कुछ यूज़ भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, राइट। अभी इसमें एक ड्रॉवर भी दिया होगा, मतलब इसमें ड्रॉवर AGB में हो जाता है, ये ड्रॉवर जो हम एंड्रॉयड iOS में ड्रॉवर लिखते हैं, जो लेफ्ट साइड से ओपन होता है, इधर से यहाँ पे उसके आइकॉन भी रहता है, वो बहुत सारा टाइम लगाता है, बट फ्लटर में इन अ सेकेंड हो जाता है ये। मैं आपको बताऊंगा एवरीथिंग, बट अभी मैं आपको एक कॉमन कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मैं क्या होता, अभी डायरेक्टली इसके बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर न्यू विजिट यूज़ करेंगे तो उसकी क्या क्या उसके मेथड्स हैं, क्या क्या फंक्शनलिटी है, उसको कैसे यूज करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ। तो अभी इसके फोल्ड है, इसके फोल्ड में इतने सारे पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं, जब भी आप कोई न्यू विजिट यूज़ करेंगे, राइट, तो फिर वो आप उनकी सर उसकी क्लास में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। अगर किसी क्लास में अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है @required, आई कांट चेंज दिस, बट अगर @required लिखा है तो वो मैंडेटरी हो जाता है। वो भी कहीं लिखा होगा, मैं बताऊँगा आपको। सपोज कॉलम में चाइल्ड पे @required लिखा होगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो मैंडेटरी हो जाते हैं। इसमें नहीं है, किसी में तो रहेगा, मैं बताऊँगा आपको। ओके, सेंटर नहीं है, ठीक है, बताता हूँ बाद में। तो अभी देखो स्कैफोल्ड लिखा, अभी मैं ये सब बंद कर देता हूँ। इसके अंदर जो भी है, ये बॉडी है, इसको ही बंद कर। अभी स्कैफोल्ड के अंदर से मैंने क्या यूज़ किया, एक ऐप बार यूज़ किया है। ओके, बॉडी यूज़ किया है, बॉडी भी है इसका टाइप। दूसरा किया है
फ्लोट एक्शन बटन, फ्लोट एक्शन बटन भी है, तीनों प्रॉपर्टी मैंने इसकी यूज की है और कुछ भी यूज नहीं किया, राइट। ओके हो गया। अभी एप बार क्या होता है, जो ऊपर एप बार दिख रहा है वो, अभी ये विजिट क्या किया है, विजिट उधर से मैंने ऊपर से टाइटल जो पास किया वो लिया है। अभी मैं ये हटा देता हूँ अभी के लिए और डायरेक्टली इधर हार्ड कॉपी हार्ड लिखता हूँ इसमें टेक्स्ट में, टेक्स्ट ये हमने पढ़ा। टेक्स्ट में क्या लिखना है मुझे, फ्लटर डेमो, फ्लटर डेमो। ओके, और ये मैं हॉट रिलोड कर रहा हूँ, इन अ सेकेंड में चेंज हो जाएगा ये। अभी मैंने चेंज किया, कमेंट कर दिएगा, हॉट रिलोड किया, देखो अभी टाइटल चेंज हो गया, फ्लटर डेमो इन अ सेकेंड। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप देखते चलो ये बॉडी। ओके अभी चलो हम आज एप बार के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अभी एप बार में मुझे और क्या क्या दिखा सकता हूँ, राइट। अभी मुझे मालूम नहीं क्या क्या दिखाना है, सिर्फ टाइटल दे। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इस क्लास के अंदर जाऊँगा, क्लास के अंदर देखूँगा क्या क्या बटन है। तो हम ऐसे, अगर फर्स्ट टाइम आपको सीखना है, राइट, मैं अभी पूरे एक एक इसके फील्ड्स नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक दो मेन बताऊँगा, फिर आप ट्राई कर सकते हो। सपोज देन मुझे देखना है लीडिंग, लीडिंग क्या है, तो लीडिंग मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। ये जब भी उसके अंदर लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये विजिट है, एप बार इज अ विजिट, विजिट के अंदर फिर एक और है टेक्स्ट भी एक विजिट है। जो एक कलर चेंज हो रहा है ना, ये वाला कलर दिख रहा है वो मतलब समझ लेना ये ब्लू कलर विजिट से सर, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आया, अभी मुझे क्या देखना है, उधर क्या था ये देखना है लीडिंग, यहाँ मैं टाइप करूँगा, हिंट दिखा देगा लीडिंग। अभी मुझे लीडिंग में भी क्या आएगा मुझे नहीं समझ रहा कि उधर क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगा, ये लीडिंग है इस पर जाऊँगा, राइट। अभी लीडिंग क्या है, विजिट है, मतलब आप कोई भी विजिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप सर्च करोगे गूगल पे विजिट्स, तो आपको विजिट्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, जैसे बहुत सारे विजिट्स हैं, टेक्स्ट विजिट्स है, कॉलम है और रो है, बहुत सारे मैं आपको बताऊँ। तो अभी यहाँ पे विजिट्स में कोई भी लिख सकता हूँ, लीडिंग सपोज देन मुझे लिखना है आइकॉन। लीडिंग मतलब क्या होता है, इधर जो बैक आइकॉन रहता है ना उधर लीडिंग, मैं कोई भी आइकॉन लिख सकता हूँ और इमेज लिख सकता हूँ, अपना प्रोफाइल इमेज डाल सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आइकॉन ऐड कर सकता हूँ, आइकॉन भी क्या है, एक विजिट है, राइट। तो विजिट के अंदर भी पैरामीटर क्या है, एक आइकॉन करके रहेगा, आइकॉन्स, और उसके में बैक एरो इसमें रहेगा, एक एरो बैक। आईओएस का भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड का भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि आईओएस का किधर करना है, एंड्रॉयड का कैसे किधर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक इसमें मेथड रखा है प्लेटफॉर्म करके, तो उससे मुझे मालूम चल जाता है कि मेरा आईओएस है और एंड्रॉयड है, राइट। अभी मैं इसको हॉट रिलोड करूँगा इधर से, तो देखो एक आइकॉन ऐड हो जाएगा, देखा बैक आइकॉन इन अ सेकंड हो गया। अगर यही चीज़ मैं एंड्रॉइड में करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक XML व्यू बनाना पड़ता है, फिर उसको सेट करना पड़ता है, फिर उसमें सब प्रॉपर्टी डालती है, एक इमेज डालना पड़ता है, इतना सारा करना पड़ता है। अभी और उसका देखना है, बार का क्या देखना है, इसमें अभी बॉटम बटन्स भी हैं, एक्शंस भी है। एक्शंस मतलब क्या होता है, इधर राइट साइड में आपको जो सेटिंग मिलती है, थ्री डॉट डॉट रहते हैं, उस पर क्लिक करके और आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस चेंज कर सकता हूँ, आइकॉन थीम चेंज कर सकता हूँ, और सेंटर टाइटल, ये जो टाइटल है इसको मैं सेंटर में कर सकता हूँ। तो ये सारी मैंने चीज़ें यूज कर सकती हैं, आप भी कर सकते हो। ओके ये हो गया एक्शन बार। अभी मैं बताता हूँ आपका बॉडी, बॉडी में क्या आएगा। अभी ये एक्शन बार के नीचे जितना भी है सब बॉडी में आता है पूरा पार्ट, राइट। और बॉडी को ओवरलोड क्या कर रहा है, फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, फ्लोटिंग एक्शन बटन में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी मालूम चल गई मुझे क्या क्या है उसमें। आर राइट, आई वॉज सर्चिंग दिस, राइट। रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया था कि ये सब ऑप्शनल है, राइट, बट ऑन प्रेस इट्स मैंडेटरी। आप अगर ऑन प्रेस हटा दोगे तो आपका एप्लीकेशन एरर देगा, क्योंकि एट द रिक्वायर्ड लिखा है। मैंने आपको डार्ट लैंग्वेज पढ़ाया है, मैं इसमें लिंक भी दूंगा नीचे डार्ट लैंग्वेज की, जिसमें ये क्या होता है, दिस क्या होता है, ये ब्रैकेट क्या होता है, ऑप्शनल क्यों है, एट द रिक्वायर्ड क्या है, उस हिसाब से आप समझ जाओगे। और एट द रिक्वायर्ड का मतलब कि रिक्वायर्ड है और ये सब बाकी ऑप्शनल है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ और क्या था, ऑन प्रेस रिक्वायर्ड है, मैं इसको कमेंट करता हूँ तो एरर देगा ये, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब भी हम रन करेंगे तो इधर इशू आएगा। ओके तो अभी मैं इसको ये कर देता हूँ। उसके बाद अभी क्या, ऑन प्रेस किया, तो ऑन प्रेस का मतलब आप जानते हो, इधर मेथड एक कॉल हो रहा है, मेथड में क्या हो रहा है, ये काउंट प्लस प्लस हो रहा है। अभी काउंट प्लस प्लस हो रहा है, बट अगर ये अपडेट करना है मुझे, चेंज करना है डायनेमिकली, तो मैंने आपको एक बताया स्टेट फुल और स्टेट लेस में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर सेट स्टेट करते हैं। तो देखो एक सेट स्टेट बाय डिफॉल्ट एक मेथड है, जिसमें हम कुछ भी डालते हैं तो ये पूरा बिल्ड मेथड द्वारा से रिकॉल होता है। तो अभी ये एक्चुअली जब फ्लटर जब मार्केट में आया था तब से ये सेट स्टेट चल रहा है, लेकिन अभी प्रोफेशनली सेट स्टेट अभी अवॉइड करते हैं लोग, अगर बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा भाई। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो ये सेट स्टेट क्या है वो समझेंगे हम दो तीन प्रोजेक्ट में। फिर मैं सेट स्टेट को हटा दूंगा और ब्लॉक वगैरह यूज करूँगा,
फिर हम समझेंगे प्रोग्रामिंग, राइट। तो अभी क्या होता है, इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, अभी जब सी मैंने ये इंक्रीमेंट किया, आप लगे तो डिबगर लगा सकते हैं, डिबगर लगा के भी चेक कर सकते हैं, जब भी ये इंक्रीमेंट होगा ये पूरा रिबिल्ड कॉल होगा दोबारा से। रिबिल्ड कॉल होगा तो क्या होगा, अभी ये काउंट वैल्यू हमने कहीं यूज किया, इसके अंदर यूज किया, राइट, इसके अंदर कहीं तो यूज किया काउंट वैल्यू ये, तो ये बार बार इंक्रीमेंट होती है और टेक्स्ट में ये ऐड हो जाती है, ओके। और टेक्स्ट में ऐड हो जाती है, क्या होती है, कॉलम के अंदर दिया है, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम के अंदर कौन सा विजिट लिया, एक टेक्स्ट विजिट लिया, दूसरा काउंट विजिट लिया, तो ये अभी हुआ। ये क्या है, एक कॉलम की प्रॉपर्टीज है, अगर मैं कॉलम में जाऊंगा तो इसकी सब मैक्स आएंगे, ये सब प्रॉपर्टीज आ गई, उसमें से मैंने एक प्रॉपर्टी ये यूज की है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, इसको मैंने सेंटर में करने के लिए किया है। टेक्स्ट को अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये टॉप पे आ जाएगा, सेंटर से हट जाएगा, राइट, टॉप पे आ गया, तो ऐसे ही इसको भी सेट कर सकते हो आप। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये बताया कि प्रोग्राम रन कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, और फर्स्ट में बाय डिफॉल्ट ये मेन क्लास क्यों आती है, मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बता दिया, क्योंकि डार्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, जैसे कि जावा वॉइड मेन मेथड से चालू होता है, ऐसे ये होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि डार्ट बहुत ईजी लैंग्वेज है और फ्लटर भी ईजी है। इफ़ यू अगर आप मोबाइल बैकग्राउंड से, तो आपके लिए ये ईजी जाने वाला है 100%, बिल्कुल इट्स अ सिमिलर टू स्विफ्ट और जावा कॉटलिन, ये उसके सिमिलर है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आप इसमें एक मेन बात बताता हूँ आपको, विजिट्स फॉलो करो, आप विजिट्स देखो, विजिट्स देखने के लिए मेरे पास एक साइट है, ये फ्लटर की साइट है, यहाँ से भी आप जा सकते हो डॉक्स में जाके, और बाद में इधर से हम एक लाइब्रेरी रहते हैं जिसका नाम है पब डीवी, यहाँ से हम लाइब्रेरीज करते हैं, सपोज कुछ भी चाहिए आपको, फायरबेस चाहिए, फायरबेस यहाँ डालेंगे, यहाँ सब ये उनके एक्सटर्नल पैकेजेस आ जाएंगे, लाइब्रेरीज, वो हम यूज़ करते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि ये कैसे रन करते हैं, क्या रन करते हैं, ठीक है, और भी कुछ रहेगा तो बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप सिर्फ मेरी दो वीडियो से आप एक फ्लटर स्क्रीन बनाना सीख चुके हैं अब तक, राइट, आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, इस ऐप बार से खेलो थोड़ा, ऐप बार में क्या क्या अपडेट कर सकते हो, क्या क्या चेक कर सकते हो, कलर क्या चेंज कर सकते हो, और ये एक्शन बटन पे क्या क्या डाल सकते हो, फिर आपको अगर और कोई विजिट यूज़ करना है यहाँ पे तो राइट क्या करना है, अभी इसके अंदर या ये हो गया, ये तो इसके विजिट्स हैं, अभी आप ऐप बार के विजिट्स और भी फॉलो कर सकते हो, ये ट्राई करो अभी इसी वीडियो में। फिर मैं आज ही एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको और विजिट्स के बारे में बताऊँगा, फिर मैं आपको डेली आई हैव टारगेटेड डेली टू वीडियो आई हैव अपलोड, एंड सो 15 दिन में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे अराउंड, मतलब एक स्क्रीन कैसे जाएंगे, लॉगिन कैसे करोगे आप, लॉगिन पर API आप कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपके कोड को, अभी मैं एक अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो एंड्रॉयड डेवलप मोबाइल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई थिंक इवन एक्सपीरियंस वाले डेवलपर भी वो फॉलो नहीं करते कि आपका कोड सिक्योर है या नहीं। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और मैंने उनका कोड भी ले लिया है, मतलब मैं उनको हैक कर सकता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोड सिक्योर होना चाहिए, आप इतनी मेहनत करते हो बनाने के लिए और वो कोड सिक्योर नहीं है, तो वो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत से लोग जानते हैं सिर्फ प्रोगार्ड इंप्लीमेंट कर दिया मतलब उनका कोड सिक्योर हो गया, ऐसा भी नहीं है, उसमें बहुत सारा आपको करना पड़ता है, या प्रोगार्ड इज इम्पोर्टेंट इन एंड्रॉयड, और iOS में तो कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, है लेकिन वो हाई लेवल पर होती है फिर, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज़, एंड थैंक यू वेरी मच।